विंग कमांडर अभिनंदन की कल सकुशल भारत वापसी को लेकर देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। जंतर मंतर पर भाजपा के साथ अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने मिलकर होली दिवाली एक साथ मनाई और अभिनंदन की घर वापसी पर लड्डू बांटे। कल पूरा देश बड़ी बेसब्री से अपने विंग कमांडर अभिनंदन की सुरक्षित वापसी को लेकर इंतजार करता नजर आया। जब अभिनंदन सुरक्षित वापस भारत की सीमा पर आए तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देश भर में हर तरफ विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी को लेकर लोगों ने दिवाली होली एक साथ मनाई। आज से बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता, ये तो होली और दिवाली से भी बड़ा दिन है। जब हमारा देश सुरक्षित रहेगा आतंकवादियों से तो रोज होली दिवाली मननी चाहिए। और इतना बढ़िया खुशी का दिन है कि हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे जाबाज हमारे युवा साथी अभिनंदन जैसे जो दुश्मन की धरती पर जाकर भी दुश्मन को हराने का काम किया और इस खुशी के अंदर हम सब लोग यहाँ जश्न मना रहे हैं। आपको बता दें, विंग कमांडर की घर वापसी को लेकर भाजपा के साथ अनुसूचित जाति के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। ये बाइक रैली को रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने हरी झंडी दिखाई। वहीं डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में अलग अलग जगह जाकर कार्यक्रम किए। आपको बता दें, उत्तर पूर्वी जिले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी द्वारा भी एक बाइक रैली निकाली गई। उनके अनुसार इस रैली के निकलने का मकसद था देश में मिलिट्री को सम्मान देना। आइए सुनते हैं क्या कहा मनोज तिवारी ने। ये रैली देश की सेना के सम्मान के लिए, गर्वित हिंदुस्तान के लिए और नरेंद्र मोदी जी के पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सड़कों पे हैं। अभिनंदन का अभिनंदन, सेना का अभिनंदन, प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन। लगातार ममता बनर्जी के बयान सामने आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखो, ये सब लोग देशद्रोहियों की भाषा बोल रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। हमें अपने देश को भी सुरक्षित रखना है और ऐसा माहौल बनाना है कि पड़ोसी देश हमारा सैनिक कहीं गलती से उधर चला गया तो उसको वापस भेजे भी। भारत मजबूत हो रहा है। ममता और अरविंद केजरीवाल घबरा रहे हैं क्योंकि वो लोग देशद्रोहियों के सिंपथाइजर हैं। विजय संकल्प बाइक रैली है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में जो सशक्त नेता के रूप में स्पष्ट नीति सही नीयत के साथ जो 5 वर्ष इस देश का विकास किया है, इस देश को समृद्धि दी है, न्यू इंडिया की फाउंडेशन करी है, विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया है, ऐसे प्रधानमंत्री की एक बार फिर मोदी सरकार, दिल से फिर मोदी सरकार, इस संकल्प को लेकर के हम जनता का आशीर्वाद लेने बीच में उतरे हैं। जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक करा था, आज उसी प्रकार की हवा नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी जननायक के तौर पे उभर गए हैं। पिछले 5 सालों में आपने देखा होगा, बुराई के खिलाफ पूरे देश को आज इकट्ठा करते हुए उन्होंने आज पूरे देश में एक लहर मचाई है और जितनी भी गंदगियाँ, जितनी भी बुराई हैं वो सब एकत्र हुई हैं और इसी के लिए आज हमने नरेंद्र मोदी जी को दोबारा लाने के लिए फिर एक बार मोदी सरकार के लिए हमने एक विजय संकल्प रैली का आयोजन करा और आपने देखा कि लोग कितनी भारी संख्या में घर से निकल के आए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक कीजिए और अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब कीजिए। प्रतीक शर्मा के साथ आकाश राजपूत और संजय वर्मा की ये रिपोर्ट।